आम चुनाव से पहले जहां एक तरफ विपक्षी दल मजबूत हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कमजोर होती जा रही है। बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है अरुणाचल प्रदेश में। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गेगांग अपांग ने पार्टी का साथ छोड़ते हुए उस पर जमकर वार किया है। मिशन 2019 में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर पूर्वोत्तर पर टिकी है, इसीलिए वो लगातार यहाँ के सभी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि पीएम मोदी की कोशिशें रंग नहीं ला पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पार्टी मजबूत होने के बजाय और कमजोर हो रही है। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गेगांग अपांग ने पार्टी से इस्तीफा देकर उसे जोरदार झटका दिया। अपांग ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को भेजे अपने त्याग पत्र में कहा कि बीजेपी अब सत्ता हासिल करने का मंच बन गई है। यह एक नेता की मुट्ठी में है जो विकेंद्रीकरण या लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया से नफरत करता है और उन मूल्यों को नहीं मानता जिनके लिए पार्टी की स्थापना हुई थी। अपांग ने कहा कि बीजेपी को अरुणाचल प्रदेश में 2014 में जनादेश नहीं मिला था, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने खरीद फरोख्त कर हर गंदी तिगड़म कर दिवंगत कालिको पुल को मुख्यमंत्री बनवा दिया। सुप्रीम कोर्ट से विरोध के फैसले के बावजूद बीजेपी की सरकार गठित की गई। उन्होंने कहा कि कालिको केस की ना तो कोई उचित जांच कराई गई और ना ही बीजेपी नेतृत्व ने नैतिकता का कोई ख्याल रखा। वहीं इस दौरान उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि ये सरकार मनमर्सी कर रही है। आपको बता दें कि गेगांग अपांग करीब 22 सालों तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस में रहे हैं। उन्होंने फरवरी 2014 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। इससे पहले भी उन्होंने 2003 में राज्य में बीजेपी नेतृत्व गठबंधन सरकार का 42 दिनों तक नेतृत्व किया था, लेकिन इसके बाद वो दोबारा कांग्रेस में चले गए थे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।